हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन एंड बताने जा रहा हूँ कि मेरठ के अंदर सबसे बेस्ट कैफे, मेरठ के अंदर सबसे बेस्ट वेजिटेरियन कैफे कौन सा है। और टॉप फाइव मैं बताने जा रहा हूँ मेरठ के अंदर टॉप फाइव रेस्टोरेंट, जो कैफे हैं या रेस्टोरेंट कह लो, कैफे कह लो या प्लेस कह लो, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फटाफट आप वीडियो में बने रहें एंड जितने भी आपको बताने होंगे बहुत बढ़िया बताऊंगा, आपको मजा आएगा। उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा, उसमें क्या गलत था, क्या सही नहीं था, क्या अच्छाई थी और सब उनका खाना कैसा था, सब बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना, और कुछ भी आपको डाउट हो मेरठ के बारे में आपको पूछना हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना चाहते हो, मैं उसका आंसर अपनी आने वाली वीडियोज में या कमेंट के तौर पर आपको दूंगा। तो सबसे पहला और बेस्ट कैफे जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरठ में, वो है बॉक्सी पार्क। बॉक्सी पार्क बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ रेस्टोरेंट बना रखा है उन्होंने, अच्छे अच्छे ग्रीनरी लगा रखी है ओरिजिनल। एक तो होता है आर्टिफिशियल लगाते हैं प्लांट्स वगैरह, उन्होंने ओरिजिनल प्लांट्स, मनी प्लांट जैसे फ्रेगनेंस आती है, बहुत अच्छा बना रखा है। ज्यादा अच्छा मेन्यू है उनका, खाना का टेस्ट भी अच्छा है, कोई ओवर बजट नहीं जाता और रीजनेबल रेट्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और ये लोकेटेड है हमारा शास्त्री नगर के अंदर, तो शास्त्री नगर आप सर्च मार लेना या सेंट्रल मार्केट सर्च मार लेना, बॉक्सी पार्क सेंट्रल मार्केट, तो आपको लोकेशन आ जाएगी एंड आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो इसका खाने की बात करते हैं, इसका खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्टैंडर्ड का था। आप ऐसे नहीं कि ऐसे आपको लगेगा कि आप जैसे फाइव स्टार के अंदर खा रहे हो भाई, आपको ऐसा लगेगा कि फाइव स्टार के अंदर बैठ के आपने इतना सुंदर, इतना डिलीशियस, इतना लजीज खाना आपने मंगाया और आपने कैसे खाया। तो इसके अंदर पार्टी हॉल्स वगैरह भी बने हुए हैं, पार्टी वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो एक बार जरूर विजिट करें, अगर आप बॉक्सी पार्क विजिट कर सकते करोगे तो मेरे नाम ले देना या मेरे वीडियो दिखा देना, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि वो जानते हैं थोड़ा बहुत। गाइस सेकंड कैफे पे आते हैं, वो है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम है ओरा लॉन्च। ओरा लॉन्च बहुत ही अच्छा, मजेदार, कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल अंदर जाओगे। ये भी नेचर से रिलेटेड बना हुआ है, बिल्कुल नया दोबारा से रेनोवेट हुआ है और बिल्कुल ये हर 6 महीने बाद रेनोवेट करते रहते हैं, हर एक नई फील देते हैं कि हाँ भाई एक अच्छी और नई फील आती है कि जब भी आप जाओ ऐसा लगेगा इस बार कुछ चेंज है, जब भी जाओ इस बार कुछ चेंज है, बैठ के ऐसे लगेगा कि आप नए रेस्टोरेंट में आए हो, कभी आपको पुराना फील नहीं होगा। है वैसे नया ही है, हर 6 महीने मुश्किल से इसको साल हुआ है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये लाल कुर्ती के अंदर लोकेटेड है, आप सर्च मार लेना लाल कुर्ती ओरा लॉन्च तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, डिनर, लंच और जैसे स्नैक्स के तौर पर आप जा सकते हो अपनी फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आप जा सकते हो और यहाँ पे अपने आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो बेस्ट है ओरा लॉन्च एंड इस थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा बजटी है, बजट से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ज्यादा मतलब कॉस्टली में नहीं आता, थोड़ा सा ओवर बजट मान सकते हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। और टेस्ट और सर्विस के लिए इन्होंने लेडीज रखी हुई है, जैसे हर कैफे में होता है कि जेंट्स ही सर्विस दे रहे हैं, तो इन्होंने लेडीज रखी हुई है यहाँ पे, आपको गर्ल्स वगैरह सर्व करती हैं, तो जाना चाहे तो आप भी जा सकते हैं। इतना अच्छे हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी, एंड ये मेरठ के जो इनका शेफ है, जिनका रेस्टोरेंट है ओरा लॉन्च, उनका शेफ भी ये बंदा खुद ही है जिसका रेस्टोरेंट है, बंदा मास्टर शेफ के अंदर, इंडिया के मास्टर शेफ रियलिटी शो आता है उसके अंदर ये एक बार आ चुका है। एंड ये अच्छा बहुत ट्रेन वेल और सर्टिफाइड शेफ है जिसका ओरा लॉन्च है, आप एक बार आए और विजिट करें और कमेंट में जरूर बताना अगर आप ओरल ऑन विजिट करते हैं या बॉक्सी पार्क विजिट करते हैं या मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें विजिट करते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपकी वीडियो देख के हम ओरल ऑन गए थे, या आप जा चुके हैं तो तब भी मैसेज करके मेरे को बताना कि हाँ हम ओरल ऑन गए थे। हम कैफे को करते हैं जिसका नाम है कैफे कैसनोवा, तो ये बहुत अच्छा बहुत ट्रेंडिंग कैफे चल रहा है, और खाली ये मेरठ में नहीं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस भी है हर देश, हर शहर में और देशों में भी कैसनोवा नाम से ये कैफे फेमस है, और ये मेरठ में भी अब आ चुका है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, आप फैमिली के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील करोगे, आप फैमिली के साथ फील करोगे कि हाँ भाई मैं कहाँ आ गया, क्योंकि ये ज्यादा क्राउडेड रहता है यंगस्टर्स के, यूथ से, एंड वहाँ पे बॉयज भी होते हैं, कॉलेज गर्ल्स भी होती हैं, कॉलेज बॉयज भी होते हैं, कोई पार्टी कर रहा होता है, कोई बैठे आया होता है, कोई कुछ भी करने आया होता है, या कोई अपने दोस्त के साथ जैसे थोड़ी देर के लिए आके बैठा होता है,
तो गाइज ये उस मॉल का पर्पस के लिए है। अगर आप फैमिली जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतना फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है और जा सकते हैं। वैसे टेस्ट इसका अच्छा है। फैमिली या जैसे भाई बहन जाना चाहते हो तो भाई बहन जा सकते हैं और भाई भाई जा सकते हैं। मैं पेरेंट्स को तो शायद देखो मर्जी है, मेरे को तो मैं तो मम्मी को लेके गया था तो मेरे को नहीं अच्छा लगा था। तो अगर आप और के उसको वो अलग चीज रखते हैं, बाकी इसका टेस्ट बजट में बहुत अच्छा था, ज़्यादा महंगा नहीं था। हमने मंगाई थी मैगी और साथ में मंगाए थे अपनी शायद मैगी मंगाई थी, देख लेना वीडियो में डालूंगा मैं, तो वीडियो मैंने डाल रखी है आप देख लेना। मैगी मंगाई थी मैंने, टेस्ट अच्छा था, एक नंबर था, मज़ेदार था, फुल टू पैसा वसूल। तो आप जल्दी जल्दी से जाके आप एक बार कैफे कैसेनोवा जाके देखो, ये आबूलैंड पर लोकेटेड है। आप ये भी सर्च मार देना कैफे कैसेनोवा आबूलैंड, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ये मैकरोनी पॉइंट है, मैकरोनी पॉइंट के साथ ही एक मार्केट जा रही है आबूलैंड पे, आप वहां पे जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये कैफे कैसेनोवा था थर्ड वाला। फोर्थ कैफे है जो हमारा टॉप पे चल रहा है आजकल मेरठ में, वो है चाट कोर्टयार्ड। एंड ये भी आबूलैंड पे लोकेटेड है, दास 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 मोटर्स के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, आप सर्च मार सकते हैं चाट कोर्टयार्ड। एंड ये दिल्ली की ब्रांच है, ये है दिल्ली की ब्रांच, इसका नाम है चाट कोर्टयार्ड। और यहाँ रजौरी गार्डन वगैरह, रजौरी गार्डन में भी लोकेटेड है। रजौरी गार्डन इससे अब आपको वीडियो दिखाऊंगा इसकी, आपको आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देखो, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन देते हैं। गोलगप्पे उसमें आते हैं, घंटियों में घंटी पे जाके लेके आते हैं गोलगप्पे, बहुत अच्छा फेमस चाट कोर्टयार्ड है दास मोटर्स पे। एंड ये बजट में बिल्कुल कोई भी कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल फ्रेश एंड बहुत अच्छा इनका वो होता है। और बजट के अंदर सबसे बड़ी बात, जो भी बजट में ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल बजट के अंदर है एंड आप यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ है ग्रिल मास्टर्स, बहुत ही अच्छा फेमस, ज्यादा बहुत ही फेमस चल रहा है पीएल शर्मा रोड पे ये लोकेटेड है, जिसका नाम है ग्रिल मास्टर्स। और अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मैंने ट्राई किया था ग्रिल मास्टर्स पे, सैंडविच मंगाया था, वेज सैंडविच भाई साहब, पनीर टिक्का सैंडविच, वेज सैंडविच नहीं सॉरी पनीर टिक्का सैंडविच मंगाया था, मजेदार एक नंबर। तो आप इन पांच रेस्टोरेंट या पांच कैफे पे ट्राई करके आइए, और इनमें से अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है या कुछ भी आपको कोई दिक्कत परेशानी या अगर आप गए हुए हो तो मैसेज कमेंट पे जरूर लिखना। और बस ये आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग नहीं था, ये था हमारा नॉर्मली कैफे को आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन देना, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि हाँ भाई आजकल मेरठ में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो बस इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू सो मच वॉच, बाय।